नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि कुछ दिन के बाद एक स्टैंडर्ड शब्द जो होता था उसे ढूंढना पड़ेगा कि ये कहां पर है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मेरे सामने एक पैनासोनिक का सेट आया और पैनासोनिक के सेट में जो जनरल चाइना में सर्विस कोड इस्तेमाल होता है वो सर्विस कोड इस्तेमाल हो रहा है। और इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं ये बताऊं कि पैनासोनिक के सेट में भी चाइना वाला सर्विस कोड लग जाता है मेनू 2580, तो लगता है कि एक स्टैंडर्ड कहीं खतरे में है। ऐसा होना नहीं चाहिए। सैमसंग, सोनी, पैनासोनिक, टीसीएल वगैरह वगैरह जो कंपनियां हैं इनका एक स्टैंडर्ड है, उसमें वही कंपनी का सर्विस कोड काम करता। परंतु अब यहां एक सेट आया मेरे सामने, देखें यहां पे, यहां ये सेट देख पा रहे हैं पैनासोनिक का है, देखें आप नजदीक से आप देख पा रहे हैं, और रिमोट भी आप देखें, रिमोट भी पैनासोनिक का है। अब यहां पे मैं दिखाऊंगा कि मैंने इसमें पैनल डाली है और पैनल डालने के बाद आप देख पाएंगे इसमें मैपिंग की प्रॉब्लम आ रही है। देखें सेट में पैनासोनिक लिखा भी आ रहा है, सब कुछ पैनासोनिक का है, पर मुश्किल वाली बात यह है कि इसमें चाइना वाला सर्विस कोड इस्तेमाल हो रहा है जो हर टीवी में इस्तेमाल होता है, ये नहीं होना चाहिए। तो देखें हमने इसको मैपिंग से बाहर निकालने के लिए मेनू, उसके बाद 1147 खोलेंगे तो ये सर्विस मेनू खुलकर आ जाएगा सामने। इसके बाद यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, जनरल है, पिक्चर है, स्टूडियो है, डीबग है, इन सारी चीजों में न जाकर के सिर्फ सीधे जनरल में जाएं, और जनरल में जाकर के पहला जो आ रहा है एलबीडीएस मैपिंग, एलबीडीएस मैपिंग पे आप इसको 1 कर दें। 0 था, देखें यहाँ 0 है, अब इसको हमने राइट दबाकर 1 किया और मैपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेनू दबा करके बाहर निकलें, एग्जिट करें, सेट को बंद करें और ये सर्विस मोड में जाकर के अब मैपिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। देखें आप मैपिंग की प्रॉब्लम ठीक हो गई। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था कि पैनासोनिक के सेट में मेनू 2580 सर्विस कोड डाल करके और मैपिंग की प्रॉब्लम को बड़े आसानी से ठीक किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।